दोस्तों, आज हम बात करेंगे IFB के 1.5 टन 5 स्टार डुअल इन्वर्टर एसी के बारे में, और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस एसी को यूज़ करने के दौरान हमारा महीने में कितने का बिजली बिल आया, साथ में दोस्तों इसमें हमें कोई इंस्टॉलेशन में चार्जेस देने पड़े या फिर नहीं, और इस एसी के साथ हमें अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं, और यह जो एसी है वो कितने बड़े रूम साइज के लिए बनाया गया है। ओवरऑल सारी चीज़ें आपको पता चलेगी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा अंत तक आप देखते रहेगा। और अगर आप इस एसी को बाय करने का सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल ही सही समय रहेगा। अभी जो है ना, यह एसी काफ़ी सस्ता मिल रहा है, तो इस एसी का ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से क्लिक करके आप इस एसी को बाय कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड ने इस एसी को ऑनलाइन ही बाय किया था, तो आप भी ऑनलाइन बाय कीजिएगा, आपको जो है ऑनलाइन 2-3 हज़ार रुपये सस्ते में ही देखने को मिल रहा है यह एसी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, और अगर आपको फर्स्ट टाइम एसी बाय कर रहे हैं, अगर आपको एसी खरीदने में कोई भी कन्फ्यूजन आती है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ फोटोज क्लिक कर लिए, वो आपको दिखाते हैं। हमारे फ्रेंड का एसी है तो हमने यूज़ किया कुछ दिनों तक, तब ये हमारे पास या इसका एक्सपीरियंस है, हम आपको वो सारी चीज़ें बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो एसी है वो कितने बड़े रूम साइज के लिए बनाया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यह जो एसी है वो 1.5 टन का एसी है, तो हमारे फ्रेंड ने जो एसी लिया है उसके रूम का जो साइज़ है वो 180 स्क्वायर फीट है, तो भी जो एसी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर जाता है। तो अगर आपके रूम का साइज 130 स्क्वायर फीट से लेकर के 180 स्क्वायर फीट के बीच में है, तो आपके लिए जो एसी है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप इसको ले सकते हैं, लगा सकते हैं और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इस एसी में हमें 5 स्टार रेटिंग मिले, तो 5 स्टार रेटिंग होने की वजह से यह जो एसी है वो बिजली बिल में काफ़ी ज़्यादा बचत करता है। दोस्तों बात करें कि कितने ज़्यादा यूनिट हमें इसमें खर्च होते हैं अगर हम यूज़ करते हैं, तो लगभग जो है ना 2.5 घंटे यूज़ करने पर एक यूनिट बिजली कंज्यूम होती है। उस हिसाब से जो है ना, अगर आप महीने में, अगर दिन में जो है अगर आप 8 घंटे यूज़ करते हो लगातार डेली, तो महीने में आपका 600 रुपये से लेकर के 800 रुपये तक का बिजली बिल आएगा इस एसी को यूज़ करने के दौरान। दोस्तों बात करें अब इंस्टॉलेशन के बारे में, तो इंस्टॉलेशन जो है दोस्तों आपको चार्जेस में लग जाते हैं, जो कि है 1415 रुपीज़, लगभग इतने जो है ना 1450, लगभग आपको 1400 से 1500 रुपये तक के आपके जो है ना इंस्टॉलेशन में चार्जेस देने पड़ते हैं। और दूसरे अलग जो ब्रांड्स आते हैं एसी के, उन्हें तो कहीं कहीं में आपको 2000 रुपये तक इंस्टॉलेशन चार्ज लगते हैं, लेकिन इस एसी में जो ना IFB के एसी में आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो कम पे करने पड़ते हैं। आपके घर पे जैसे ही एसी डिलीवर हो जाएगा, आपको IFB के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करना है, बंदा आएगा आपके घर पे और एसी को इंस्टॉल करके चला जाएगा। दोस्तों आपके बाहरी वातावरण में अगर 58 डिग्री सेल्सियस तक की भी गर्मी पड़ती है, वहाँ पे भी जो ना यह एसी काफ़ी देर बढ़िया तरह से काम करेगा। और इस एसी में जो कंडेंसर यूज़ किया गया, कंडेंसर कॉइल, वो कॉपर का यूज़ किया गया, जिससे कि इस एसी की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और एसी को ना आप लंबे टाइम तक लाइफ लॉन्ग इस एसी को यूज़ कर पाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों हर मामले में यह जो एसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एसी है। इस एसी का ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए फटाफट से बाय कर लिया, ऐसा ना हो कि इसका प्राइस बढ़ जाए और बाद में आपको महंगे में लेना पड़े, क्योंकि अभी जो ना यह एसी ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है। तो इस एसी का ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करते हैं दोस्तों वारंटी की, तो दोस्तों 1 साल की जो वारंटी है वो आपको पूरे एसी के पूरे बॉडी पर देखने को मिल जाती है। 5 साल की एसी के अंदर जो भी जो अंदर बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं, PCB बोर्ड है, मदरबोर्ड है, उन सब पे जो ना आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, और कंप्रेसर पे जो ना आपको 10 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो वारंटी के मामले में भी जो एसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और दोस्तों इस एसी में आपको अलग से कोई भी स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यह जो एसी है वो विदाउट स्टेबलाइजर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से वर्क करता है। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अगर आप 1.5 टन का एसी लेने का सोच रहे हैं तो यह एसी बेस्ट है, जाइए फटाफट से बाय कर लीजिए, बेस्ट बाय लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, अगर आप उससे बात करना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।